हेलो स्टूडेंट, जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं, मैट्रिक इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र हैं जो 2020 में फर्स्ट ईयर आए हैं और सेकंड ईयर आए हैं, जी दोस्तों, जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, जो सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं, दोनों छात्रों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि सभी छात्रों के मन में एक ही क्वेश्चन चल रहे हैं कि आखिर बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति कब से फाइनल किया जाएगा, जो ऑनलाइन अप्लाई है कब से जारी किया जाएगा, उसका लिंक कब से जारी किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं, जो मैट्रिक इंटरमीडिएट के छात्र हैं, जो मैट्रिक के छात्र हैं उनको मिलेगा 10,000 रुपये। जो छात्रवृत्ति को लेकर, अप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आपको मैं बता दूं कि आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो है दोस्तों 31 अक्टूबर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसी महीने में 31 अक्टूबर को आप लोगों का रिलीज किया जाएगा, जिसके जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो छात्रवृत्ति के द्वारा। ठीक है, छात्रवृत्ति पाने के लिए सभी छात्र बहुत ज्यादा वंचित है, मतलब व्याकुल है, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर छात्रवृत्ति हमारा कब से जारी किया जाएगा। तो जो मैट्रिक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए छात्रवृत्ति जो आप लोगों का है, जो मैट्रिक वाले को दोस्तों, आप लोगों जो फर्स्ट ईयर है उनको 10,000 मिलेगा, जो सेकेंड ईयर उनको 8,000 मिलेगा। सो गाइस, आपको बता दूं कि आप लोग परेशान ना होके, क्योंकि 31 अक्टूबर को आप लोगों का रिलीज कर दिया जाएगा और आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल यहाँ आता है, बहुत से छात्र पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या इसका लिंक हमें मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि लिंक जो है, आपको 31 अक्टूबर को जब आपका रिलीज किया जाएगा तभी आपको लिंक भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक लिंक कोई प्रोवाइड नहीं किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी जो छात्रवृत्ति को लेकर बार बार क्वेश्चन कर रहे थे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इसका डेट फाइनल बताइए कि कब जारी किया जाएगा, कब रिलीज होगा, तो मैं इस पर ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं, आप लोगों के लिए एक और भी नया उदाहरण, नया क्वेश्चन लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटरमीडिएट के 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, अगर आपके घर में कोई 9th का भी स्टूडेंट है, आपके घर में भाई, आपके रिलेशन के आस पास जो भी है 9th के भी, तो मैट्रिक इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है। हमारा एक और भी चैनल है, नेम है माई टारगेट बाय मौर्य सर, उस चैनल का नेम माई टारगेट बाय मौर्य सर है, उस पर जाइएगा तो आपको ऑल सब्जेक्ट का, जी हाँ दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट का अच्छी तरह तैयारी, प्रिपरेशन अच्छी तरह कराया जा रहा है। उस पर मैं नहीं, मेरी टीम अलग से लगी हुई है, आप लोगों के लिए अच्छी तरह तैयारी कराया जाएगा। आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा माई टारगेट बाय मौर्य सर, जी हाँ दोस्तों, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करोगे, आप सीधा चले जाओगे चैनल पे, उस पर दोस्तों 550 से ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है। जितने भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं, आप अच्छी तरह तैयारी भी कर सकते हो, साथ ही साथ हम क्लास भी, ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं और ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं। तो आप ऑनलाइन के लिए हमारे चैनल पे जा सकते हो और ऑफलाइन के लिए हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। सो गाइस, जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके विचार, आपका क्या मन बन रहा है। साथ ही साथ बिहार बोर्ड के जो छात्र मैट्रिक इंटरमीडिएट के जो 2020 में फर्स्ट ईयर रहे हैं, आप लोगों को बता दिया जाए कि छात्रवृत्ति आपका 31 अक्टूबर को रिलीज कर दिया जाएगा। आप यूट्यूब पे जाके सर्च मार मार के वीडियो देखते हो, आप लोग परेशान होते हो, जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इधर उधर की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस सब को देखते हुए मैंने इस पे ये वीडियो बनाया, और इस पे बनाने के बाद आप लोगों को बता दूं कि इस पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, शायद दुआ करता हूं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और इस वीडियो को यार लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा दीजिएगा, वीडियो को सभी छात्र हित में शेयर कर दीजिएगा कि सभी छात्रों को मालूम चल सके। सो गाइज, इतने के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक ही आपका और हमारे मेहनत का फल होता है। सो गाइज, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत